हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट की लैटिन टर्मिनोलॉजी विस मेजर के बारे में। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट की लैटिन टर्मिनोलॉजी विस मेजर का मतलब हो गया एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब जो कुछ भी भगवान के द्वारा किया गया है। लॉ ऑफ टॉर्ट में ये एज अ डिफेंस यूज होता है किसी भी डिफेंडेंट के द्वारा। वो डिफेंस के तौर पर कैसे यूज होगा, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ही यही हो गया कि कोई ऐसा कार्य जिस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं रहा है, कोई ऐसी घटना घटती है जिसको ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता था। अब जैसे मान लीजिए कि इस नेचुरल कलेमिटी कोई आती है, कि मान लीजिए जैसे सुनामी आई, सुनामी पर कोई भी इंसान उसको कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर सकता था, उसको रोक नहीं सकता था, उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे थे उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता था, उससे जान जा सकती थी और जाने गई भी। या अर्थक्वेक अगर आता है, अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उस पर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, उसको अर्थक्वेक रोका नहीं जा सकता है। तो बेसिकली इसको एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा कि भगवान के द्वारा अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाया गया, उसके एक्ट के द्वारा उस पर कोई नुकसान पहुंचाया गया, तो उसको डिफेंडेंट एज अ डिफेंस यूज कर लेगा कि भैया हमने तो कोई नुकसान पहुंचाया नहीं, इसमें आपको ईश्वरीय घटनाओं की वजह से नुकसान हुआ, तो हम आपके लॉसेस को पे क्यों करें। तो मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट में जो हमारी सिविल लायबिलिटी बेसिकली कवर होती है, जो हमारी सिविल लायबिलिटी होती है अपार्ट फ्रॉम बॉडी, हमारे शरीर की लायबिलिटी नहीं, हमारी शरीर की लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में कवर होती है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में जो हमारी सिविल लायबिलिटी कवर होती है उस सिविल लायबिलिटी से बचाता है ये एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने घर में जो है कोई गड्ढा खुदवाया, ठीक, गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे में पानी भराया और उससे पड़ोसी के घर में सीलन चली गई, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये ह्यूमन नेचर की वजह से हुआ है। आपने गड्ढा खुदवाया तो उसके न्यू में पानी चला गया, उसके घर में सीलन आ गई, तो उसकी लायबिलिटी आप पे करने के लिए रेडी रहोगे, आपको पे करनी पड़ेगी। हाँ, वहीं पे अगर बाढ़ आ जाती है भयंकर तरीके से, बाढ़ से पानी भर जाता है और उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है, धराशायी हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्यों पे करोगे? नहीं पे करोगे, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आई, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। बारिश घंटों घंटों होती रही, पानी भरता गया, कहीं पानी जाने की सुविधा नहीं थी, तो उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। इस तरीके से विस मेजर का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एक्ट ऑफ गॉड, जो भगवान के द्वारा कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है, भगवान के जो है शक्तियों के द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है जिस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं, वो विस मेजर या एक्ट ऑफ गॉड कहलाया जाएगा। उसकी लायबिलिटी आपको नहीं पे ऑफ करनी पड़ेगी, जो भी लायबिलिटी जिसके ऊपर बनती है किसी चीज़ की, वो लायबिलिटी देने से वो बच जाएगा। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।